टीवी की सिमर यानी दीपिका कक्कर को कुछ महीने पहले यूजर्स ने ये कहकर परेशान किया था कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जीन्स नहीं पहनने देते, वो जबरदस्ती सूट सलवार पहनने पर फोर्स करते होंगे। यहाँ तक कि कुछ हेटर्स ने ये भी कहा था कि तुम्हें तो शुएब जैसे दूसरे धर्म के लड़के से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अभी भी टाइम है, तलाक ले लो। अब ऐसे ताने देने वालों को दीपिका की सास ने अब जोरदार तमाचा मारा है। जी हाँ, दीपिका की सास बहू दीपिका को सिमर 2 शो में देखकर बहुत खुश है। उन्होंने बहू के लिए दुआएं की, साथ ही खास मैसेज भी दिया। दीपिका की सास ने कहा, मुझे अपनी बेटी को इस पसंदीदा सीरियल में देखकर बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेरी बहू से ज्यादा बेटी है। मतलब आप समझ गए होंगे कि एक बेटी जैसे अपने मम्मी पापा के साथ फ्रैंक होकर रहती है, वैसे ही दीपिका अपने ससुराल में सास ससुर और ननद के साथ रहती है। और फिर दीपिका की यूट्यूब वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपिका के ससुराल वाले उन्हें टॉर्चर नहीं बल्कि उन्हें खूब प्यार देते हैं। दीपिका कक्कर जो कई सालों बाद हम सबका पसंदीदा शो ससुराल सिमर का 2 के सेट पर कमबैक कर रही है। हालांकि शो की शूटिंग हो रही है और अब तक प्रोमो भी लॉन्च हो चुका है, पहला एपिसोड भी शूट हो चुका है और जल्दी वो भी लॉन्च होने वाला है। लेकिन उससे पहले दीपिका ने शूटिंग करते वक्त ऐसे हादसे की खबर सुनाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। यूं कहें कि 2 लोगों को नई जिंदगी मिली और ये सब दीपिका कक्कर के मेकअप आर्टिस्ट की वजह से हो पाया। दीपिका कक्कर ने शूटिंग के दौरान एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपने फर्स्ट डे की शूटिंग का एक्सपीरियंस के साथ हादसे की खबर भी बताई। जी हाँ, दीपिका ने बताया, 1 महीने पहले मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट की फोटो देखी थी जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। दीपिका ने बताया कि उस फोटो में उस मेकअप आर्टिस्ट के हाथ की बोन पूरी तरह से फटी हुई थी, अंदर का सब कुछ दिख रहा था। वो चोट मेकअप आर्टिस्ट को इसलिए लगी क्योंकि उसने उस दिन 2 लोगों की जिंदगी बचाई थी। दीपिका ने बताया कि उस बिल्डिंग में एक अंकल आंटी फंस गए थे और सिलेंडर ब्लास्ट होने जैसे हालात बन गए थे। दोनों अंकल आंटी अंदर से चीख रहे थे लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। जैसे ही उनके मेकअप आर्टिस्ट के कानों में उनकी आवाज गई, वो बाहर निकले और उनके फ्लैट में घुस गए, उन्हें बचा लिया। हालांकि उस दौरान मेकअप आर्टिस्ट के बहुत चोट लग गई थी लेकिन उसने अपनी जान की चिंता न करते हुए उन 2 जिंदगियों को बचा लिया। उसे सुकून मिला कि उसने आज 2 लोगों की जिंदगी बचा ली, वरना उस दिन बहुत बुरी खबर मिल सकती थी। दीपिका ने सबके सामने उस मेकअप आर्टिस्ट को प्राउड ऑफ यू बोला। आपको बता दें, दीपिका दोबारा से शो की शूटिंग करने में काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखी। सेट पर से उनके देवर ने उनका पूरा वीडियो शूट किया जिसे दीपिका ने अपने चैनल दीपिका की दुनिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो में दीपिका सुबह 9 बजे सेट के अंदर एंट्री करती है और रात को उन्हें 9 बज जाते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि 12 घंटे शूटिंग के बाद दीपिका का क्या हाल हो सकता है। लेकिन दीपिका बहुत खुश दिखी क्योंकि वो उस रोल में कभी बोर नहीं हो सकती है। इस रोल ने दीपिका की जिंदगी बदल दी थी। दीपिका ने वीडियो में दिखाया था कि कैसे उनका मेकअप हुआ और कैसे दीपिका से वो सिमर बन गई। उसके बाद दीपिका ने चाय नाश्ता तक सब कुछ दिखाया और अपना मेकअप रूम भी दिखाया। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई शब्द गलत बोला हो तो माफ करना। दीपिका बताती है कि कैसे पहला शूट उन्होंने किया था, कैसे उनकी और शुएब की मुलाकात हुई थी, कैसे उनके यादगार किस्से किस जगह के हैं। दीपिका अपने काम पर पूरा फोकस दे रही है। दीपिका के इस किरदार से उनके ससुराल वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं। दीपिका की सास ने तो दीपिका के लिए स्पेशल मैसेज भी दिया है। तो आप सिमर 2 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। टीवी की सिमर बहू यानी दीपिका कक्कर काफी टाइम बाद टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल सिमर 2 से कमबैक कर रही हैं। दीपिका कक्कर इस खुशी को जाहिर करते हुए अपना पहला लुक भी दिखा चुकी हैं। दीपिका ने बता दिया कि वो जल्दी सिमर 2 में धमाल मचाने वाली हैं और अपने फैंस को ये सीरियल देखने के लिए तैयार रहने को बोल चुकी हैं। दीपिका की ये गुड न्यूज सुनते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया, घर में भी जश्न मनाया गया। और आप तो दीपिका के ससुराल वालों को तो जानते ही हैं, दीपिका का ससुराल कम और उनका मायका ज्यादा लगता है। लेकिन अचानक दीपिका की इस खुशी को नजर लग गई जब कुछ हेटर्स ने उन्हें गलत कमेंट किए। कुछ लोगों का कहना है कि ये जोड़ी सोशल मीडिया पर पति पत्नी वृत्ता का खूब ज्ञान पढ़ाती है लेकिन रियल में कैसी है वो तो हम सब जानते हैं। घर में दीपिका को सूट सलवार पहनाया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है। क्या दीपिका शूटिंग पर भी सूट सलवार पहन कर ही जाएंगी?
दूसरे हेटर्स ने कहा, इनके सास ससुर फिर से दीपिका को धर्म बदलने को ना बोल दें। एक और हेटर्स ने लिखा, दीपिका की शूटिंग के चक्कर में दीपिका स्वेप से अलग ना हो जाए। आपको बता दें, बिग बॉस 12 की विनर बनने के बाद दीपिका को काफी टाइम बाद शो में देखा जा रहा है। हालांकि दीपिका का कहना है कि उन्हें कई शोज के ऑफर आए, लेकिन वो सिमर सीरियल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सीरियल दीपिका की जिंदगी की कामयाबी था। तो भला दीपिका ये सीरियल कैसे मना कर सकती। अब इस पर भी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। कहा कि इस सीरियल में साड़ी पहननी पड़ती है, बाकी सीरियल में शायद शॉर्ट्स कपड़े पहनने पड़ते होंगे, तभी दीपिका ने सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया होगा। आपको बता दें, जब से दीपिका ने शोएब से शादी की, तब से लोग उनके पहनावे पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि शादी के बाद से दीपिका को मुस्लिम रिवाज में काफी देखा जाता है, वो सूट सलवार में ज्यादा देखी जाती हैं। हालांकि शोएब दीपिका दोनों इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, लेकिन आज भी हेटर्स उन्हें इस सवाल से परेशान करते हैं। वैसे सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप दीपिका के इस नए सीरियल सिमर 2 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? कहां हम कहां तुम सीरियल की एक्ट्रेस दीपिका कक्कर लंबे टाइम बाद ब्रेक पर हैं। दीपिका कक्कर ने अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ आखिरकार छुट्टियां बिताने के लिए वक्त निकाल लिया। टीवी का ये फेमस कपल खतरनाक बीमारी के बीच गोवा छुट्टियां मनाने के लिए निकल चुका है। इस बीच दीपिका और शोएब सभी तरह की सावधानी बरतते हुए हॉलीडे एंजॉय करने के लिए गोवा पहुंच चुके हैं। दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम ने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर अपनी गोवा वेकेशंस की फोटो शेयर की हैं। दोनों छुट्टियों के दौरान काफी रिलैक्स मूड में टाइम बिताते दिखे। टीवी कपल दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम की ये फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। फैंस इनका रोमांटिक मिजाज खूब पसंद कर रहे हैं। शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर गोवा में शॉपिंग करते भी दिखे। दोनों एक साथ बाइक पर घूमने भी निकले। इस दौरान गोवा मार्केट भी विजिट करते नजर आए। शोएब दीपिका अपनी YouTube चैनल के लिए हर रोज परिवार के साथ वीडियो बनाते रहते हैं। हाल ही में दीपिका के चैनल के 1 मिलियन व्यूज हुए थे, जिसकी खुशी में शोएब ने जश्न भी मनाया था। और लगातार ये कपल दिलचस्प वीडियो बनाकर फैंस को खुश करता रहता है। दीपिका और टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम ने 22 फरवरी 2018 को शादी की थी। दोनों ने टीवी सीरियल ससुराल सिमर का में साथ में काम किया था। शो में दीपिका सिमर के रोल में थी और शोएब ने उनके पति प्रेम भारद्वाज का रोल निभाया था। शो में दोनों पति पत्नी के रोल में नजर आए थे। साथ काम करते करते दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद 22 फरवरी 2018 को भोपाल में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दीपिका कक्कर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल तक एयर हॉस्टेस के तौर पर काम किया। इसके बाद 2010 में उन्होंने टीवी डेब्यू किया और सीरियल नैना देवी में देवी लक्ष्मी के रोल में नजर आई थी दीपिका।